बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां पूर्व सांसद पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी होगी। दरअसल पहले से ही अलग अलग मसले को लेकर पप्पू यादव जेल में बंद थे। एडीजी निशिकांत ठाकुर की विशेष अदालत में उनकी उपस्थिति होंगी। 32 साल पुराने मामले में जेल में बंद है पप्पू यादव। तो ये मामला पिछले कई महीनों से चल रहा है। लगातार पप्पू यादव को लेकर जाप के कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया गया, आवाज बुलंद की गई कि जल्द से जल्द उन्हें छोड़ा जाए। लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में उनकी पेशी है। बता दें कि पप्पू यादव को लेकर कार्यकर्ताओं की तरफ से लाख कोशिशें की गई हो, लेकिन आखिरकार न्यायालय में उपस्थित होने के बाद ही आज पप्पू यादव कोर्ट में एक बार फिर से पेश होंगे। और उसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद जो भी न्यायालय का फैसला होगा, उसके बाद ही पप्पू यादव को जेल या बेल, इसकी बात सामने आएगी। आपको बता दें कि 32 साल पुराना मामला है जिसको लेकर पप्पू यादव जेल में बंद थे। एडीजे निशिकांत ठाकुर की विशेष अदालत में उनकी पेशी होगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? पप्पू यादव की आज कोर्ट में पेशी होनी है, ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं बन रही है? जी सुरभि, आज तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर वो मधेपुरा कोर्ट पहुंचेंगे। मधेपुरा कोर्ट में काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आज 25 साल पुराने मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की कोर्ट में होगी पेशी, एडीजे निशिकांत ठाकुर के विशेष अदालत में। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आज उनकी बेल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। यहां पर उनके कार्यकर्ता जमे हुए हैं और उनके पहुंचने में मात्र 20 से 25 मिनट की देरी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव। तो आज